तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत से प्लान के। जैसे कि स्क्रीन पर आपने हमारा मॉडल देखा है, इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपके लिए घर बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रामीण क्षेत्र को रिकमेंडेशन के आधार पर इस घर को डिजाइन किया है। तो ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। पूरा इसका मैं मॉडल आपको दिखाऊंगा, इसका क्या क्या मैंने चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट में लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलो वीडियो को आज हम बता देते हैं कि कैसे मॉडल बनाना है। और अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको 50% पहले देना होता है, 50% बाद में देना होता है। तो ये जो आज का मॉडल है काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पूरा मॉडल दोस्तों ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा मॉडल है। फ्रंट इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं, साइड का देख सकते हैं, बरंदा वगैरह बनाया गया है, ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। तो आप इससे पहले जूम करके देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ इससे, और इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, इसमें सारी चीज़ें क्या क्या मैंने बना रखी वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आपने ये देखा, अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि देख रहे हैं इधर एक बेडरूम है जिसमें मैंने एक विंडो दिया, इधर आपका बारंदा है और तीन पिलर हैं। इसके बाद आप ऊपर चढ़ेंगे बारंदे से, तो मैं टॉप व्यू पहले आपको इसका दिखा देता हूँ, इससे आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए टॉप व्यू है, ये आपका एक बेडरूम है, बड़ा सा मास्टर बेडरूम या गेस्ट रूम बोल सकते हैं। इसका ये मेन डोर जहाँ से एंट्री करेंगे, दो विंडो दिए है। ये आपका एक बड़ा सा हॉल है, उनकी रिक्वायरमेंट है हॉल की। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी स्टेयर से ऐसे टर्न होकर वापस आएंगे। इधर आपका ये किचन एरिया है, ये दो बेडरूम और मिल जाते हैं, ये एक बेडरूम, और इधर आपका लेट बाथ आप इसे बना सकते हैं, या इसे किचन बना सकते हैं, इसे लेट बाथ बना सकते हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हालांकि लेट बाथ यही, इसलिए मैंने यहाँ विंडो नहीं दिया। पीछे जाने के लिए भी एक मैंने डोर यहाँ पर दिया है, अगर आपका पीछे जगह है तो आप जाइएगा। तो यहाँ पर आपको लगभग चार बेडरूम, बड़े बड़े से बेडरूम, बड़ा सा हॉल वगैरह सारा डिटेल मिलता है। काफ़ी बड़ा एरिया ओवरऑल, ये 37x48 का 37x48 फीट में मकान बना हुआ है, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर, जैसा कि आपने देखा सारी चीज़ें मैंने इसमें तीन जगह में राउंड शेप में ग्रिल क्रिएट की, देखते हैं राउंड शेप में ग्रिल बनी हुई है बीच में। तो ये देख सकते हैं तीन शेप में यहाँ पर ग्रिल बनी हुई है, यहाँ पर राउंड शेप में आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। उसके बाद स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है और लास्ट में से ढक दिया है, मतलब बंद कर दिया, इससे पानी वगैरह बरसात में ना जाए। तो ये ओवरऑल मॉडल जो मैंने आपको दिखाया है बहुत ही खूबसूरत 37x48 फीट में बना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो अगर आपकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बनवा सकते हैं। तो ये मॉडल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस मॉडल को अगर आप बनवाने बैठते हैं तो आपका जो मॉडल है इसमें ग्रामीण लेवल के जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है, पूरी तरीके से फुलफिल करता है, क्योंकि मैंने ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते ही इस घर को बनाया है। अगर आप किसी और घर के नक्शे को चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपका घर का नक्शा क्रिएट करूँ, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको वहाँ पर कुछ पे करना होता है, पे करने के बाद मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट करता हूँ। तो चलो इस मॉडल को यहीं ब्रेक करते हैं, अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सपोज दैट 10 लोगों ने कमेंट किए तो किसी एक बंदे का मैं मॉडल पिक करके ज़रूर बनाऊंगा और उनसे मैं कॉन्टेक्ट करके या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट करिएगा। जैसे आपका प्लान 30x40 का है तो आप मुझे 30x40 कितने बेडरूम चाहिए वगैरह ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपका प्लान बना सकूं। तो कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।